बियॉन्ड द हिस्ट्री वेज उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं और बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उनको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने तो आ ही गई क्योंकि हम लोग इसका विमोचन कर दिया, आपके सामने भी आ गई और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों अनेकों स्थानों पर ये पुस्तक जाएगी और उन स्थानों का बोध करवाएगी, उन स्थानों से सबका परिचय करवाएगी। उसकी लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी मंच पर उपस्थित, पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पांडे जी, पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रधान प्रकाशक के हमारे श्री प्रभात जी एवं मेरे सामने बैठे हुए जिन्होंने पुस्तक के बारे में विचार रखा और वो स्वयं भी लेखक, अभी उनकी भी सरदार पुस्तक भवन उसका भी मैंने जो है उसमें भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रीमान अमित चतुरी जी, पीसी शर्मा, श्रीमान पीसी शर्मा जी और राधा रतूरी जी ने भी यहाँ से पुस्तक के बारे में और उसके बारे में बताया। श्री अशोक जी, डीजीपी साहब हमारे राकेश जी और नगरजाल साहब थोड़ा वहाँ दिख रहे हैं, आज उन्होंने मास्क वगैरह लगा दिया। हम सभागार में उपस्थित सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण और वर्तमान के अधिकारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण और आराधना जी ने बताया कि मुझे आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से कवर करने के लिए दिल्ली से भी नेशनल मीडिया से भी लोग आए, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र छायाकार बंधु। मैं सबसे पहले तो इसका नाम रख दिया हम लोगों ने मुख्य सेवक सदस्य, हम लोगों को पता होगा पहले इसका नाम था जनता दर्शन हॉल और मैंने जब से काम संभाला मैंने इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन या मुख्य सेवक संवाद कक्ष। तो मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आराधना जी को सुंदर कृति के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये लीक से हटकर काम करने के लिए पहले से ही पहचानी जाती है। 36 वर्ष के सेवा काल के दौरान आपने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नैनीताल के डीएम आप रही और अभी शत्रुघ्न सिंह साहब बता रहे थे कि इनके पिताश्री पूज्य पिताजी भी जो है वहाँ के डीएम रहे और आपने भी मुझे बताया था, फिर मुझे मिली थी क्योंकि मुझे नैनीताल से इसलिए लगाव था कि चूंकि मैंने बचपन में वहाँ पढ़ा और बचपन बाद में मैं वही डीएम बन गई और नैनीताल के डीएम रहते हुए आपने बरसात में कोसी नदी का कहर झेलने वाले गांव चुकुम गांव का दौरा किया और उस गांव तक पहुंचने वाली आप पहली महिला रही हैं। आपके दिशा निर्देश पर आज भी चुकुम गांव के लोगों को वो व्यवस्था जारी है। देखिए मैं थोड़ा लीक से हटके कुछ बात कहना चाहता हूँ। मनुष्य पैदा होता है, सब काम करता है, जो भी सबके जीवन में आते हैं, मनुष्य के जीवन में आते हैं, वो सब काम करते हैं, लेकिन वास्तव में पहचान उसी की होती है जो लीक से हटकर कुछ काम करता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मनुष्य का जीवन है वो अपने आप में आश्चर्य है। कितनी
84 लाख योनियों के बाद हमको दोबारा मिलेगा ना ये जीवन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। ये कहते हैं हमारे सभी देवी भागवत पुराण हमारे ग्रंथ कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला है। तो जब इतने योनियों के बाद जिस जीवन में आने का अवसर मिल रहा है तो ये आश्चर्य है। क्या सुधांशु जी, अभी तो आपके पास तो बहुत कुछ करने के लिए है। नहीं तो बात में आपकी लिखेंगे अभी नहीं, बात नहीं, अभी तो बहुत साल है। तो जब भगवान ने हमको जो है विशिष्ट बनाया है, देखिए देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, सुनने के लिए कान हैं, विचार करने के लिए विवेक हमारे पास है, उसके लिए बुद्धि है, हमारे सभी के लिए हमारे मन में एक करुणा का भाव भी रहे, उसके लिए हमारा हृदय भी है। तो इतना विशिष्ट किसी को नहीं बनाया। मतलब प्राणियों में अगर सबसे विशिष्ट कोई है तो मनुष्य है। तो मैं तो इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर ही कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां पर हमारी पूरी सरकार के शासन के सारे जो है नाक कान हाथ पैर सब यहीं पर सब लोग बैठे हैं। तो हमको इतना विशिष्ट बनाया है तो हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट काम करें और मन से आत्मा से शरीर से वाणी से कहते मनसा वाचा कर्म इसको मानकर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा ये जो कालखंड चल रहा है सेवा का वह तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये पुस्तक आपने आज ऐसे इसमें लिखी है और आपने मुझे जब आप मेरी उत्तराखंड सदन में आपसे भेंट हुई थी तो उस समय आराधना जी ने मुझे बताया कि आप भूटान गई थी और भूटान में कार गिर गई और आपके दोनों पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और ये शक्ति इनको भगवान ने दी और इन्होंने पुस्तक दी और इनका जीवन तो सफल हो रहा है। और मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा कि एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने का काम जो है इन्होंने शुरू किया है, इसको सीरीज दर सीरीज आपको भी कहा इसके आगे भी लिखे, ये सफलता की ओर चली गई है। एक सेवा का कालखंड तो पूरा हो गया, ये दूसरा कालखंड इनका शुरू हो गया। तो वैसे ही अगर हमने अपने मनुष्य के जीवन में जो विशिष्ट काम करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, यानी कोई भी जिम्मेदारी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, दायित्व तो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है, काम सब अगर हमने मान लिया कि ये बड़ा है तो बड़ा ही होगा। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया 3 दिन 4 दिन पहले अच्छे मात्र फाउंडेशन में, एक दिन में 35,000 बच्चों को एक जगह से मिड डे मील जो है वहां से जाना था। तो वहां एक छोटी बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया कि आप क्या बचपन से राजनीति में आना चाहते थे, आप ये सोचते थे कि आप मुख्यमंत्री बनोगे। तो मैंने 1-2 मिनट का विचार किया, मैंने सोचा कि कई बार होता क्या है कि हम लोगों को कई प्रश्नों के जवाब कई उस समय की वस्तु स्थिति के अनुसार देने होते हैं। तो मैंने उस समय बिल्कुल भी नहीं सोचा, जो मेरे मन में बचपन से विचार आता था कि कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए कुछ करना है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत नामी गिरामी आदमी होते हैं, बहुत रसूख वाले होते हैं, वो सामने आते हैं तो उसी से नमस्ते तो करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन जब वो उठ के चले जाते हैं आगे वो तो फिर क्या कहते हैं। तो बचपन से मेरे मन में एक विचार रहता था
कि अगर हम उठ के भी जाए तो पीछे से भी लोग कहें कि नहीं बहुत तेज जा रहा है आप। तो ऐसे कुछ विचार मन में आए तो मैंने आप सबके सामने रख दिए। तो मैं आज के अवसर पर आराधना जी को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आराधना जी मुझे भी एक साल हो गया मुख्य सेवक के रूप में। हालांकि उसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी मैं 4 महीने 6-5 महीने से ज्यादा काम भी नहीं कर पाया। चुनाव आ गया और पिछली बार के कालखंड में तो मैं केवल चुनाव ही चुनाव सोचता रहा। आप लोगों को ही पता है कि भाई यहाँ क्या होता है कि हर बार चुनाव होता है 5 साल में, तो हर चुनाव में एक स्थिति बनती है कि एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती है दूसरी बार उस पार्टी की सरकार बन जाती है। 4 चुनाव में यही होता रहता है हर बार। 2002 में चुनाव हुआ तो एंट्रीम सरकार थी भाजपा की, कांग्रेस की बने। 2 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बन गई। 7 में चुनाव हुआ भाजपा की बन गई। 12 में चुनाव हुआ फिर कांग्रेस की बन गई। 17 में चुनाव हुआ फिर भाजपा की बन गई। तो आपकी बात साझे घूम रहा था, सभी को लग रहा था कि इस बात में फिर से सरकार बदल जाएगी और इस बार जो है सरकार नहीं बदली, फिर से वही सरकार आ गई। तो पिछली बार में हम इसी काम में लगे हुए थे, बड़ी स्थितियां भी वो थी जैसे आपके सामने उलझन होगी ना लिखने में कि एक फोटो इतनी दूर जाके कैसे खींचते हैं। जैसे एक फोटो आपने कहीं हथियार नौला का खींच रखा है, कहीं का आपने मद महेश्वर का खींच रखा है, दूर दूर तक। तो अब जो समय है और आप ही लोगों के, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप ही लोगों के कंधों पर ये भार है कि हमको जो है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। मेरी बात नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इससे अच्छा अवसर आप मुझे दे भी नहीं सकते थे। इतने सारे अधिकारीगण, इतने सारे जो है विचारक, इतने सारे विद्वान, मैं तो धन्यवाद आपका इसलिए भी कर रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे अपनी बात जो मेरे मन की बात है वह भी मैं जो है इनके सामने यहाँ पर कह पा रहा हूँ। और जो आपने इसमें मानस खंड, केदार खंड, अलग अलग आपने इनका विस्तृत जो व्याख्यान इसमें किया है और ये पुस्तक के माध्यम से हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र का पर्यटन। ये पुस्तक सभी जगह जाएगी, आप कहते हैं एमबीसी में देंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे प्रभात में, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ के सभी पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, हमारी पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, सबकी जानकारी होगी। और सबसे बड़ा है कि डेस्टिनेशन, ये तो मैडम हम लोगों को जो है वो भी करना चाहिए। वैसे भी सभी जगह की कौन सा डेस्टिनेशन कितनी दूर है कि जरूरी है कि सबको जो आने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए। तो मैं वहीं पर आ जाता हूँ फिर से कि आपने इतना शानदार लिखा और हम मानसखंड कॉरिडोर बनाने की हमारी योजना है। और मानसखंड कॉरिडोर में क्योंकि जहाँ चारधाम में हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें बहुत अच्छी बन गई है और बन रही है लगातार, भारतमाला प्रोजेक्ट में लगातार एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से चूंकि अभी तक जो हमारी चारधाम यात्रा चली है इस साल अभी 27 लाख का आंकड़ा हमने पार कर दिया है, 2 महीने में 27 लाख हो, और जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी यात्रा बची हुई है पूरी, बरसात के बाद फिर यात्रा चलेगी तेजी से। कावड़ भी चल रही है, कावड़ में भी रोज हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और चारधाम यात्रा में जहाँ 27 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, ये रजिस्टर्ड है, और बिना रजिस्टर्ड वालों का अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 35-40 लाख का बराबर आंकड़ा चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ से कनेक्टिविटी बने और दूसरी तरफ होगी जो जो किनार खंड है वो मानस खंड से कि उसको कनेक्ट करना है। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है, आने जाने का अच्छे रास्ते हैं। हालांकि 2 बड़ी सड़कें अभी, एक हमारी हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक और एक ग्वालकम से बागेश्वर तक, 2 सड़कें हमारी बड़ी बन गई। भारतमाला में है ना सुधांश, जल
आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो हम लोगों को चाहिए था वो आपने इस पुस्तक में लिख दिया। तो हमारी जो आपने एक तरफ से बहुत इसमें हमारी मदद भी हुई है सरकार की, और सारे स्थान आ गए हैं और आसानी से लोगों के हाथों में पुस्तक चली जाएगी, जानकारियां मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद, और आगे की सीरीज आपकी निकलती रहे, और अंत में यही कहते हुए कि विशिष्ट भगवान ने हमको बनाया है तो विशिष्ट काम करने के लिए बनाया है। ये सेवा काल तो सफल होगा ही होगा, जीवन भी सफल होगा, और एक जीवन नहीं आने वाले सारे जीवन सफल होंगे। अभी मैं आप लोगों के उसमें गया था लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजकल सबको अगले 25 सालों के कि 2047 तक भारत कैसा होगा, उसमें लगे हुए मिशन कर्मी योगों के बीच में भी गया था मैं, तो वहां भी मैंने कुछ इस प्रकार के अपने विचार रखे थे उनके सामने कि हम लोग जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने बुलाया है, किसी के कार्यक्रम में गए हैं, ठीक, तो हमारे राज्य के लिए क्या हो सकता है, और राज्य के साथ साथ वो जिस सेवा में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन कैसे हो सकता है, दोनों चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं। उसी की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य और लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय के लिए हम लोग एक सभी विभागों से, मैंने सब लोगों से कहा है कि एक रोड मैप ऐसा कि जो 2025 में हमारा पूरा हो, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई गोल हम क्या ले सकते हैं जिससे कि जब 25 साल में हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं तो हम बड़े शान से कहें कि 25 साल होने पर हमारे इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है, ये काम हमारा पूरा हो गया। ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं, ये हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कामों में से एक काम है, और हम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपकी पुस्तक बहुत हम लोगों को इसमें ऊर्जा देगी। पुनः